वही केंद्र सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। वही 25 जून 1975 में कांग्रेस के शासन में संविधान को दरकिनार कर दिया गया था, आपातकाल घोषित कर दिया गया और जो लोग इसके खिलाफ बोले उनको या तो मार डाला या तो जेल में बंद कर दिया गया। अब 25 जून को आज की भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं कि देश के लोग आज धन्यवाद दे रहे होंगे क्योंकि संविधान के आगे कोई इस प्रकार से हत्या नहीं कर सकता। इसलिए उस दिवस को याद रखना है ताकि आने वाले दिनों में आज जो संविधान की चर्चा हो रही है हम उसके अनुसार चल सके और समाज को सुरक्षित रख सके। संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त, और जो ऐसा बोलता था उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये 25 जून 1975 को हुआ, तब कांग्रेस का देश में शासन था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और जो लोग इसके खिलाफ बोले या तो मार डाले गए जान से या नहीं तो जेलों में बंद कर दिए गए। बड़े बड़े पार्टियों के नेता, कोई भी किसी को आजादी नहीं थी कि कोई बोल सके। बड़े बड़े सारे नेता जो विपक्ष के थे कांग्रेस के सामने, सबको जेलों में बंद कर दिया गया। जहां जो मिला मारा गया, पीटा गया, यातनाएं दी गई, तो संविधान की तो हत्या हो गई। अब अगर उस दिवस को 25 जून को आज की भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है तो मैं समझता हूं इस देश का लोग आज बहुत धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि संविधान को आगे कोई इस प्रकार से उसका मर्डर न कर सके, संविधान का, लोगों के अधिकार का, लोगों के हक का। इसलिए उस दिवस को याद रखना है ताकि आने वाले दिनों में हम, आज जो संविधान की चर्चा हो रही है उसकी अनुसार चल सकें, समाज को सुरक्षित रख सकें।